भीषण गर्मी के इन दिनों में मालवांचल में यहाँ आमजनी हलाकान नहीं है, बल्कि यहाँ के जंगलों के पशु पक्षी तक दाने पानी को तरसने लगे हैं। ऐसे में जीव दया की सोच रखने वाली शहर की ऋषभ अशोक समाज कल्याण समिति ने जंगलों के पशु पक्षियों की सुध लेते हुए जंगल क्षेत्र में 100 से ज़्यादा पानी के टैंक सहित पक्षियों के लिए पेड़ों पर सकोरे बांधने के साथ ही दाने की व्यवस्था भी की है। यही नहीं, अलग अलग जगहों पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर समय समय पर दाने पानी का ध्यान रखने के लिए छोड़ा हुआ भी है, जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी समिति की इस पहल की सराहना करते हुए अब अपने विभाग द्वारा भी पंचायतों के माध्यम से पशु पक्षियों के लिए इन व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाए जाने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, हमारी संस्था विगत 10-12 वर्षों से कई प्रकार के विकल्पों पे काम कर रही है, सेवा पे विकल्पों पे। उसमें जीव दया भी एक हमारा विकल्प है, जिसमें हम विगत 12 वर्षों से निरंतर पशु पक्षियों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। इस बार हमने लक्ष्य बनाया था कि वन विभाग को भी हमारे साथ सम्मिलित करेंगे हम, और तो उसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा ये निर्धारित किया गया कि इस बार जंगलों में पशुओं को पानी के पीने के लिए जो टंकियां हमने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाई हैं, लगभग 100 टंकियों का हमारा लक्ष्य है। वो जैसे जैसे हमें प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे हम फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से उसको जंगलों में रखवाएंगे। और हमारी संस्था के अध्यक्ष अशोक जी मुनि, जिनके मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं, और सब सारे प्रकल्पों पर हमारा विशेष तौर से अभी गर्मी में जीव दया पे फोकस है, जिस पर हम अधिक से अधिक पशु पक्षियों के लिए काम करना चाहेंगे। समाज कल्याण सेवा समिति जो रजिस्टर्ड है, इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अशोक जी मुनि। उनका उद्देश्य है कि गर्मी के मौसम में तड़तड़े धूप में जो मूक बधिर जो पशु होते हैं, जो बेजुबान होते हैं, उनके ऊपर जंगलों शहर से लेकर जंगलों में पानी के सकोरे लगाए जाएँ, उनके दाना पानी की नियमित व्यवस्था की जाए। ये उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्पित भाव से लगे हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप जी वर्मा, सेठिया जी, अपूर्व शर्मा, मैं स्वयं राकेश वर्मा, अन्य सभी सदस्य तन मन से समर्पित भाव से हम सेवा दे रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि मूक बधिर पशुओं के लिए समय समय पर हमारी संस्था सेवा देती है, और पर्यावरण के प्रति, चिकित्सा के प्रति, शिक्षा के प्रति भी हमारी संस्था समय समय पर निरंतर कार्य करती है। और हमारा भी उद्देश्य है कि निरंतर गर्मी में जंगलों में पानी की टंकी पशुओं के लगाना और सकोरे लगाना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और पारिक श्रमिक पर हमने हमारे संस्था द्वारा सेवादार के रख रखे हैं, ताकि वो नियमित पानी भरेंगे सकोरे में और टंकियों में, और नियमित दाना पानी डालेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। हाँ बिल्कुल, अब भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए, इंसान के लिए तो पानी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन पशु पक्षी के लिए बड़ी समस्या आती है। तो हम प्रयास करेंगे कि गांव गांव में सकोरे लगाए जाएं, पंचायतों को बोला जाए, और कोई संस्था भी यदि कार्य में मदद करती है तो शासन के साथ में है, और शासन के सहयोग से ही अपने प्रयास करेंगे कि पशु पक्षी प्यासे नहीं रहे, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था समय समय पर करते रहें।